पंचायत में जाने का, आपके यहां पर अमृत की बात करने का, उसी विषय में आपसे बात करने के लिए हम आए। मेरे अपने बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 19 तारीख को फैसला होगा और उस फैसले में आपको तय करना है। एक तो आपको अपना भाई है, अपना दोस्त है, साथी है, और दूसरी तरफ हरियाणा से पहलवान आप बीच में आया है, जिसने आज तक के 12 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर, 12 साल वो एमपी रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, 5 साल मंत्री रहे, एक ना किसी का काम नहीं किया। हमारे यहाँ रेजिमेंट की बात अभी भारत भाई बता रहे थे, ऐसे और भी बहुत सारे गांवों से गए, किसी व्यक्ति का भला करने काम नहीं किया। आज अलवर में आकर कहते हैं कि मुझे वोट दे दो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी सुबह सुबह पलावा गांव में था। मैं पलावा गांव में डीएमआईसी को लेकर के वहां के लोग दिल्ली जाकर मिले उनसे, कहा कि हमें समस्या है इस बात की, हमारी मदद करो। तो उनको वहां से पंच तक भगाने का काम किया। मेरे पास दिल्ली से फोन आया, तमिलनाडु से फोन आया, बिहार से फोन आया, यूपी से फोन आया कि भाई हम लोग तेरी मदद के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कि ऐसे आदमी को चुनाव में उतारा है जिसने आज तक किसी को ढाल नहीं किया। साथियों, आपके बीच में एक आपका भाई पिछले 13 साल से 14 साल से आप बीच घूम रहा है। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अब फिर दोबारा से आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आपके गांव में क्या तो आ लिया होंगे, यहां गांव के अंदर एक बात कही होगी आकर के, पानी की नहर ना कर देंगे, नहर की बात करते हैं बड़ी बड़ी। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि हम लोगों ने टीआरसीपी को लेकर के विधानसभा की बात कही, क्या आपने कहा एमओयू किया है? आप सदन में रखिए, आज तक एमओयू नहीं रखा है। डीपीआर तैयार नहीं है, इसको पानी पिलाने की बात कर रहे हैं, वो पानी दूसरे पिलाने की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में पानी पिलाने की बात तो बात नहीं हो पाएगी। ये 19 तक के लिए तो आप कहो लोग काम कर देंगे, जैसा कहो वैसे कर देंगे, तो झूठ बोल देंगे। 19 तारीख के बाद आपको भी नजर नहीं आएंगे। नौजवान साथी, जवानी के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इनको 2 करोड़ रोजगार की बात कही और फिर रोजगार के बाद में 4 साल अग्निवीर लेकर के आए, जिसमें 17 का भर्ती और 21 का सेवानिवृत्त हो जाएगा। आप सब जब लोग देख रहे हो कि अगर कोई हमारा साथी देश की सेवा करते वीर गति को प्राप्त हुआ, उसको तिरंगा भी नसीब नहीं हो रहा। आज जब देश ने मुद्दा बनकर बढ़ा तो कहते फिर रहे कि हम इसमें बदलाव करेंगे, हम इसमें सुधार करेंगे। साथियों, कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव करने की बात नहीं है। फिर आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग मिलकर के 19 तारीख होने वाले चुनाव में अपने भाई को आशीर्वाद देकर भेजना। आपका भाई जाकर के दिल्ली आप जवान बनकर के मजबूती से अपने काम करेगा। आप सब लोगों ने देखा है, जब भी कोई लोग गए उनके पास कोई सम्मान वाली बात नहीं हुई। मेरे पास आने के लिए आपको दिल्ली जाना नहीं पड़ेगा, मेरे से मिलने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप 50 का तेल लगाओगे मोटरसाइकिल में और मेरे पास पहुंच जाओगे, या फिर मैं रोज आपके गांव में निकलता हूं आता हूं, उनके पास कहां घूमते फिरोगे? आपको दिल्ली मिलेंगे नहीं, मुंबई मिलेंगे नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे। आपके हकों हकों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको दोबारा चुनाव अलवर से नहीं लड़ना। अब अलवर लड़ लिया चुनाव, अगली बार बिहार लड़ लेंगे चुनाव, उस समय यूपी लड़ लेंगे चुनाव। आपके बीच तो पहला चुनाव लड़ने के आए। मेरे व्यक्ति एक आदमी मिला, उसने कहा कि भाई हम लोग इनके पास गए, हमें अपमानित किया, तो इनके साथ कोई समझदार व्यक्ति था, उसने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। राजनीतिक व्यक्ति ऐसी भाषा नहीं होती, तो उनके तो घमंड आसमान पे था। सातवें पे राज्यसभा चुनाव जीते हुए मंत्री थे, उन्होंने कहा मैं जनता के वोट से चुनाव जीत करके आया, मेरे को सरकार चुनाव चला के भेजा है। साथियों, वक्त आ गए आप सबके बीच में उनको जवाब देने का, आपके भाई को आशीर्वाद देने का। एक बड़ी मजबूती से बात कह रहा हूं, आप लोग ताकत देकर भेजोगे, आपके हक और हकूक की बात, 36 कौम की विकास की बात, 36 कौम के साथ न्याय की बात, आपका भाई देश की सबसे बड़ी पंचायत आने के बाद बात करेगा। और ये लोग आपकी बात सुनने के बाद आप बात नहीं सुने। मैं आपके घर का सदस्य हूं, जब भी आप चाहो तब आप मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन इनके पास आपकी पहुंच नहीं हो पाएगी। साथियों, मैं नौजवान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं इस मौके के ऊपर। नौजवान साथियों ने जब से टिकट मिला है तब से लेकर के अब तक सोशल मीडिया पर बड़ा जबरदस्त कैंपेन आपने चलाया है, जबरदस्त तरीके से मेरी मदद आपने की है, मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं। भाई इसको 10 दिन और चलाओ, आज तक तो आपने कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की धुआं निकल रही है, और मैं 10 दिन धुआं और निकाल दो इसमें।
भाई मेरे पास करता हूँ, परमात्मा मान के आपकी पूजा करता हूँ। ये अहंकारी लोग आ गए, ये दोबारा उस बात को ठीक कर रहे थे। अगर हमसे गलती हो गई, अगर जब परिणाम गलत आ गया, तो आज के बाद कभी आपके किसान के बेटों को टिकट नहीं मिलेगा। ये दिल्ली से सब लोग आएंगे, वो कह देंगे भाई अलवर के लोगों टैक्स बिगड़ गया, अलवर के लोग बाहर के लोग पसंद करने लग गए, तो आपके लड़कों को आपके बेटों को टिकट नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि हमारा किसान का घर में पैदा हुआ बेटा ये सपना देख सके कि मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत जा सकूं, मैं विधानसभा में जा सकूं, तो आप लोग ये फैसला करना। आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे आप भूपेंद्र आपके लिए काम करने की बात कहते हैं, भूपेंद्र से तो 1,00,000 गुना फालतू काम मैं कर सकता हूँ। ये बात कहने के लिए आप विश्वास साथियों, उनका तो पहला चुनाव लड़ने का अनुभव है। मैंने तो कई चुनाव लड़ लिए, मैं 2 चुनाव जयपुर में लड़ लिया, 2 विधानसभा का लड़ लिया, 1-5 चुनाव में लड़ रहा हूँ। तो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे चुनाव लड़ने का अनुभव उनसे ज्यादा है और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ ज्यादा है। भाई इसमें आप लोग कोई कचाई मत करना, 19 तारीख को 1-1 वोट आप सब लोग मिलकर के हाथ के निशान पर देना, अपने भाई को मजबूत करना। 10 दिन का टाइम आप सब लोग निकालो मेरे लिए। आने वाले 10 दिनों में आप गांव ढाणियों में जाओ, अपने मिलने वालों के पास जाओ, टेलीफोन करो, बात करो और भाई उनको इस कंपेन को आप लोग चलाओ। आपका समय 10 दिन का और आपके भाई का पूरा जीवन आपके ऊपर समर्पित रहेगा। ये बात करने का आदमी मायल पर ज्यादा माधड़ जी, मैं समझता हूँ यहाँ आगे लेट हो रहा हूँ, आवश्यकता नहीं है आगे हम लोग लेट हो रहे हैं। भाई इतनी कम बात को ज्यादा मानना और 19 तारीख को आशीर्वाद देकर भेजना। ये बड़े आदमी कोई ढाल नहीं करते। मैं वहां गया था, एक कुछ